हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी बेहतर होंगे। एंड आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। एक्चुअली वो तीन चार क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बच्चे वो कर लेते हैं और समझते हैं कि उनको सब कुछ आ गया। अगर मैं आपको सच बताऊं तो क्लास टेंथ में इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, अगर आप तीन साल भी करें और वो भी रेगुलरली, तब भी नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी कंटेंट पढ़ें। क्वालिटी कंटेंट एक अच्छा टीचर ही बता सकता है आपको, ठीक है, क्या पढ़ा जाए। उससे ज़रूरी है कि क्या ना पढ़ा जाए, बिकॉज अगर आप ऐसी चीज़ कोई पढ़ेंगे जो नहीं पढ़नी चाहिए, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा जो कि बहुत वैल्यूएबल है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, जो CBSE एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं या एक्सपेक्टेड हैं, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस मैंने PDF में निकाल लिए हैं सारे अपने मोबाइल फोन में। जैसे एक ये क्वेश्चन था, प्रूव दैट, पहले हम इक्लूड डिविजन एल्गोरिदम के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is divisible by 2। अब यहां पर हमको प्रूव करना है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स आप कोई से भी ले लीजिए, जब उनका करेंगे प्रोडक्ट तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो एक तो हमें इसका प्रूफ करना है थ्योरेटिकली, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके, लेमा का यूज करके। हमने मतलब ही बताया था लेमा का, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स। बट इसका रियल मीनिंग बच्चों बहुत कम लोगों को समझ में आ पाता है। तो जैसा कि हमारी हमेशा से ही अप्रोच रही है कि विदाउट रियल मीनिंग कभी पढ़ाए ही नहीं, ना कभी पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं रियल मीनिंग क्या है। उन्होंने कहा दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 है एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज 2, इन दोनों का प्रोडक्ट, चाहे कोई से भी ले लीजिए, 2 से डिवाइड जरूर होगा। तो 1 2 जा 2 व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, 3 के बाद 4, 3 4 जा 12, 12 इज डिविजिबल बाय 2। समझ रहे हैं बात को। मान लीजिए 10 11 जा 110 व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। तो आप कोई से भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उठाइए, 100% दे विल डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इवन आता है, बिकॉज इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। बट इसको हम कैसे प्रूफ करें, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। अब यहां से आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इक्लूड डिविजन लेमा के एप्लीकेशन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो आपको वही करना है, लेट जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको ए मान लेते हैं या एन मान लेते हैं, नंबर है तो एन से डिनोट कर लेते हैं, चलिए वैसे ए से भी डिनोट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म बी क्यू प्लस आर, जहां पर आप जानते हैं कि बी क्या होता है, डिवाइजर होता है। एवरी नंबर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बी क्यू प्लस आर, पढ़ाया था इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट ए को मैंने एन ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। बी क्या होता है, डिवाइजर होता है। मैंने कहा था जो बी है वो क्वेश्चन खुद बताएगा, तो वो डिवाइजर कह रहा है 2 से डिविजिबल होगा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं पहले कि वेयर बी इक्वल टू 2, बच्चों कोई प्रॉब्लम यहां आनी नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो एन की वैल्यू हो गई बच्चों 2q+r, जहां पर 0 से बड़ा होता है r और इक्वल होता है डिवाइजर से छोटा होता है, यानी कि 2। तो रिमाइंडर के आपके यहां पर कितने केस बने सर, 0 सर 1, दो केस बने रिमाइंडर के, ठीक है। अब इन दो के लिए सर अब आगे कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल देखिए, वो कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने एन माना है बच्चों, तो उसका कॉन्सिक्यूटिव दूसरा वाला क्या होगा। तो आप कहोगे सर दूसरा वाला एन प्लस वन, ऑब्वियस ही बात है एन प्लस वन होगा, ठीक है। और रिमाइंडर के केस सब पे लग जाएंगे, देखिए कैसे समझाता हूं। ऐसा नहीं कि एक ही केस आएगा, क्योंकि रिमाइंडर के दो केस हैं तो दो बनेंगे। इफ आर इक्वल टू जीरो, अगर r की वैल्यू 0 है तब मुझे बताइए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन n इक्वल टू, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2q, सीधी सी बात है। जब n इक्वल टू 2q हो जाएगा तो इसका कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, इसके आगे वाला जस्ट, तो वो n प्लस वन हो जाएगा, यानी कि दैट इज 2q+1। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहां पर किसी भी तरीके की। देखिए n भाई
r बराबर जीरो के लिए बात कर रहा हूं मैं, n की वैल्यू 2 की हो गई तो उसका कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर n प्लस 1 हो गया 2q प्लस 1। अब इनका प्रोडक्ट तो लीजिए, प्रोडक्ट इनका यानी कि n n प्लस 1, तो इनका प्रोडक्ट n की वैल्यू 2q है और उसकी वैल्यू 2q प्लस 1 है, तो 2 तो ऑलरेडी कॉमन मिल ही रहा है ना। इसको सॉल्व करने पे ये q कोई इंटीजर था, 2q कोई इंटीजर था, उसमें 1 प्लस हो रहा है वो जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको सिखाया था, तो ये कोई इंटीजर ही तो आएगा, तो इसको हम m पुट कर सकते हैं ना बच्चों। यहां पे लिख दे रहे हैं कि सर कि m की वैल्यू जो है वो है q 2q प्लस 1, कोई इंटीजर ही है तो आएगा, तो इंटीजर m मान लिया, बता दिया वेयर m इक्वल टू दिस। अब यहां पर देखिए n इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी कि 2 और क्वेश्चन रिमाइंडर 0 है, तो यहां पे हम कह सकते हैं डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल है, बात प्रूफ हो गई, बट रिमाइंडर 0 के लिए हुई है, 1 के लिए प्रूफ कर लीजिए। जनरली कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि रिमाइंडर वाला केस नहीं लेते हैं, एन इक्वल टू वो मान लेते, टू क्यू मान लेते इस तरीके से डायरेक्ट, और ये कर देते, बट आपको दोनों केस बनाने पड़ेंगे जितने केस रिमाइंडर के साथ बन रहे हैं। हाँ अगर बहुत ज्यादा केस बन रहे हैं तो दो तीन केस आप दिखा दीजिए, उसके बाद सिमिलरली लिख दीजिए, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर डेवलप होगी यहां से। तो अभी थोड़ा सा हमको चाहिए स्पेस, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, ठीक है, और ये पार्ट इरेज कर देते हैं। देखिए अब इफ आर इक्वल टू वन, अगर आर इक्वल टू वन हो गया तो n इक्वल टू क्या बनेगा, n इक्वल टू था 2q प्लस r, तो n की वैल्यू ही 2q प्लस 1 हो गई, जब n की वैल्यू 2q प्लस 1 हो गई implies that, तो दूसरा consecutive integer n प्लस 1 होगा, तो हो जाएगा 2q प्लस 1 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 2q प्लस 2, क्लियर है बिल्कुल, ठीक। अब हमें इनका प्रोडक्ट दिखाना है, तो हो गया प्रोडक्ट, n की वैल्यू 2q प्लस 1 और n प्लस 1 की वैल्यू 2q प्लस 2, तो बच्चों यहां से 2 कॉमन मिल रहा है ना, जो डिवाइजर है बस उसको कॉमन लेना होगा, ये भी हमने पीछे लेक्चर्स में सिखा दिया था सारा, तो 2 यहां से कॉमन ले लिया, तो ये बचा q प्लस 1, ये वाले की बात हो रही है, और ये वाला क्या है 2q प्लस 1, इस पूरे को m बना दीजिए, तो ये भी हो गया 2m, वेयर m इक्वल टू q प्लस 1 एंड 2q प्लस 1, कोई इंटीजर ही तो आएगा ये, तो ये भी आपका क्या है डिविजिबल बाई 2। अब उसके नीचे एक लाइन लिखनी है, हेंस इट इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एवरी द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर या द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई टू, ये हो गया प्रूफ, समझ में आ गया बिल्कुल क्लियरली। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है। सो माई डियर स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर टू विच इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई सिक्स। सीबीएसई में कम से कम तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है रिसेंट 10 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में ये दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब आप देख रहे हो जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर के 6 केस बनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा। अब कैसे करेंगे, उसमें भी तीन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है फिर उनकी मल्टीप्लाई, तो यहां पे एक चीज आप और नहीं सीख जाएंगे, देखिए सॉल्यूशन। अगर उस इंटीजर को हम एन मान रहे हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर n of the form 6q plus r, because divisor 6 है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, bq plus r नहीं लिखा, 6q plus r लिख दिया, अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, ठीक है, where r is greater than or equal to 0 less than 6, तो फिर r के कितने सारे केस बने, r equal to बना 0, 1, 2, 3, 4, 5, अब इतने सारे तो नहीं लेने, सिमिलरली लिख लेंगे, दो तीन केस आप कर लीजिए। तो इफ r इक्वल टू 0 पहला केस है, ठीक, जब r इक्वल टू 0 होगा तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6q प्लस r था तो वो 6q हो जाएगा ओनली, हमें चाहिए कॉन्सिक्यूटिव तीन पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, वो तीन कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेंगे वो देख लीजिए, कहीं उसमें कंफ्यूजन हो आपको, पहला n रहेगा, दूसरा n प्लस 1 रहेगा, उससे बड़ा n प्लस 2, तो बार बार इनको लिखना है आपको, देख लीजिए, तो n n प्लस 1 n प्लस 2, n की वैल्यू क्या है 6q, तो ये हो गया 6q प्लस 1 6q प्लस 2, तो ये तो ऑलरेडी 6 से डिवाइड है बच्चों, डिविजिबल है बिकॉज 6 कॉमन आ रहा है, तो बाकी का इसको बना दो m, तो ये वैल्यू अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू m की हो गई, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, बट प्लस में कोई नंबर नहीं है, यानी कि रिमाइंडर 0 है,
तो तीन कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 6, क्वेश्चन इज m एंड रिमाइंडर इज 0. तो यहां पे हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 6. अब दूसरा केस और ले लेते हैं, इफ r इक्वल टू 1. बच्चों समझ रहे हैं बात को, जब r इक्वल टू 1 करेंगे तो n, n प्लस 1, n प्लस 2 क्या आ जाएगा, 6q+1, बिकॉज n की वैल्यू यहीं से लिख दे रहा हूं, n इक्वल टू हो जाएगा 6q+1 जब r 1 होगा. ठीक, तो 6q+1, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा 6q+2, तो n प्लस 2 क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा 6q+4, क्योंकि वो n प्लस, n तो ऑलरेडी था 2 उसमें ऑलरेडी था, तो n की वैल्यू थी हमारी 6q+1. अच्छा एक सेकेंड, 3 हो जाएगा ना, हाँ अब ठीक है, 1, 2, 3. अब क्या करिएगा, अब इनकी करना पड़ेगी बच्चों आपको मल्टीप्लाई. कैसे होगी मल्टीप्लाई, देखो पहले तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, ध्यान दो क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन निकाल लो तो ये तो बचेगा 6q+1, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो हो जाएगा काम. तो यहाँ से 3 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, 3 × 2 = 6 हो गया, क्लियर है. तो यहाँ से आपने क्या कॉमन निकाला, 2, तो ये हो जाएगा 3q+1, और यहाँ से आपने 3 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2q+1, बिकॉज 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, तो 6 फिर कॉमन आ गया. तो ये पूरी मल्टीप्लाई जब हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज इनटू में है ना, प्लस में तो कोई नंबर है नहीं, तो ये कोई ना कोई इंटीजर तो बनेगा ही ना सिंगल, तो उसको हम पुट कर देंगे m. तो ये भी बच्चों डिविजिबल बाय 6 है. एक केस और बना लो, उसके बाद आप सिमिलरली लिख देंगे कि सिमिलरली फॉर r इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 तक द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी डिविजिबल बाय 6. हेंस वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6. इसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी आपको दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है. तो ये क्वेश्चन हटा देते हैं, अभी एक केस और ले लेते हैं, केस नंबर 3. बच्चे क्या करते हैं जनरली, एक केस लेके छोड़ देते हैं पहला वाला, तो मैं वही बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है बेटा, रिमाइंडर पे डिपेंड करेगा कितने केस होंगे, जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया गया था. सारे क्वेश्चन एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है. तो इफ r इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, जब r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो n की खुद की वैल्यू 6q+2 हो जाएगी बच्चों, ठीक है. 0 पे 6q थी, 1 पे जो थी वो 6q+1 थी, 2 पे 6q+2 थी, तो n प्लस 1 हो जाएगा 6q+3, और n प्लस 2 हो जाएगा 6q+4. तो n, n प्लस 1, n प्लस 2, 3 प्रोडक्ट हो गया ना 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, तो n की वैल्यू ऑलरेडी 6q+2 है, सही है साहब. n प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी 6q+3, और इसी तरीके से n प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी 6q+4. अब देखो भी कहां से क्या कॉमन निकालना है, 6 कॉमन बनाने बस और कुछ नहीं है. तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, देख लो, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 तो यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, 12 हो जाएगा, तो 12 तो होता ही है डिवाइड 6 से, बट हम 6 ही निकालेंगे, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ से निकाला 2 कॉमन, यहाँ से निकाला 3 कॉमन, तो 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 3q+1, यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2q+1, और ये ऐसी रहेगा 6q+4. तो 2, 3 का कितना हो गया 6, और बाकी ये जो वैल्यू बनी 3q+1, 2q+1, 6q+4, इसको m पुट कर दो, तो ये हो गया 6m, जो कि डिविजिबल बाय 6 है. उसके बाद लिख दोगे सिमिलरली, ठीक है. 3 केस एटलीस्ट, अगर 5 केस बन रहे हैं या 6 केस बन रहे हैं तो 3 केस तो बना के दिखाइए आप लोग कम से कम. तो इन दिस वे या हैंस वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल 100% डिविजिबल बाय 6. अच्छा जी, अब इसका रियल मतलब देख लो भाई, क्वेश्चन हटा दे, अब इसका असली मतलब देख लो, पढ़ तो बहुत लोगों ने लिया. तो 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लो, उनका प्रोडक्ट 1, 2, 3, आंसर आया 6, 6 से डिविजिबल है. ऐसा करो 3, 4, 5 लो, 5 × 4 = 20, 3 × 60, 66 से डिविजिबल है, देख लो, यही तो लॉजिक है बच्चों इसका. अच्छा 4, 5, 6 लो, 6 × 5 = 30, 34 × 120, 6 से डिविजिबल है. दुनिया के कोई से भी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लो और उनका करो प्रोडक्ट, तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल आएगा. तो ये देख रहे हैं आप, ये था उसका प्रूफ, और ये इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है. प्रैक्टिकल प्रूफ अगर आप करने लग गए कि सर हम ऐसे दिखा दें क्या,
तो दुनिया के सारे नंबर ले सकते हो आप, मुझे बता दो, नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये हमने लिया है जनरल तरीका। जब हम लेमा का यूज करते हैं तो लेमा जो है वो दुनिया के सारे नंबर पे अप्लाई हो सकती है, बिकॉज वो वेरिएबल की फॉर्म में है। ठीक है, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कोई देखना नहीं चाहता। तो आपको मिल रहे हैं दोनों तरीके, प्रैक्टिकल प्रूफ भी आपको मिल रहा है और थ्योरेटिकल भी आपको मिल रहा है एप्लीकेशन का यूज करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, और ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन भी है जो CBSE में आ भी चुका है क्वेश्चन ये, और इसको समझने में भी बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। इफ एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ये बात तय है कि एक्स और वाई दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं बट अलग अलग हैं, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है उनके स्क्वायर का सम। मैं तो ऐसे बोलूंगा उनका स्क्वायर का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। इवन तो होगा बट फोर से डिविजिबल नहीं होगा। कुछ इवन नंबर फोर से डिविजिबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्या ले ले, 18 फोर से डिविजिबल नहीं है, 16 फोर से डिविजिबल है। तो इवन नंबर जरूरी नहीं है कि फोर से डिविजिबल हो। अब दोनों बातें आपको प्रूफ करनी है कि सर ये इवन भी है और सर ये फोर से डिविजिबल नहीं है, क्या करें। देखो भाई, ऑड नंबर के बारे में आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर देते हैं। कोई सा भी ऑड नंबर ले लीजिए दुनिया का, और आपको अगर याद हो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, जब इक्लू डिविजन लेमा के क्वेश्चन कराए थे तो क्वेश्चन आए थे प्रूव दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 का होगा। अगर आप डिवाइजर 4 ले रहे हैं तो वो दो फॉर्म हो जाएंगे, 4q+1 और 4q+3। अगर आप 6 ले रहे हैं तो 6q+1 हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा, 6q+5 हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने करे थे स्टार्टिंग में, लेक्चर सेकंड में। ठीक है ना, तो अभी सबसे अगर ये वाला लेंगे तो दो केस बनाने पड़ेंगे। तो ये वाला ले रहे हैं, दुनिया का कोई सा भी ऑड नंबर उठा लाइए, इस फॉर्म में फिट जरूर हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा वेयर क्यू इज सम इंटीजर बट रिमाइंडर 1 बनेगा, ये पक्की बात है। सही है, अब तुम कहोगे सर यहां तो 2x, 1x है और 1y है, तो दोनों को कैसे लिख लेंगे बिकॉज वो दोनों अलग अलग है। हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, तो लेट एक्स एंड वाई आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के, 2m+1 एंड 2n+1। मतलब जब x को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है बट क्वेश्चन 10 आता है, इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है बट क्वेश्चन 10 आता है, वेयर एम नॉट इक्वल टू एन। और ये दोनों कोई ना कोई इंटीजर है, मतलब क्या हुआ, देखो दोनों के क्वेश्चन अलग अलग अगर आ रहे हैं, सपोज कर लो कोई पॉजिटिव इंटीजर है 7, 7 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, तो क्वेश्चन क्या है 3, रिमाइंडर तो 1 ही बचना है। अब मान लो एक 11 है तो 2 5 10, रिमाइंडर क्या है 1। देखो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ऑड नंबर में, बट इसका क्वेश्चन अलग है, इसका क्वेश्चन अलग है, इसलिए ये दोनों नंबर भी अलग अलग है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, क्या किया, इसका क्वेश्चन m मान लिया, इसका क्वेश्चन n मान लिया, तो नंबर तो अलग अलग हो ही गए, और हमने ये बता दिया कि m और n आपस में इक्वल नहीं है, बिकॉज अगर ये इक्वल हो गए तो नंबर भी सेम हो जाएंगे। तो वेयर m एंड n आर सम इंटीजर्स बट दे आर नॉट इक्वल। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तभी आएंगी चीजें जब आपने मैथमेटिक्स को सच में फील किया हुआ है, इसको रट नहीं सकता कोई भी बच्चा। ठीक, अब बच्चे आगे करें, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम ये लेके चल दिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2m+1 कोई ऑड नंबर, वाई की वैल्यू 2n+1, इन दोनों के स्क्वायर का सम कराइए भाई, स्क्वायर का सम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप ठीक से समझ लो तो, ये बन गया 4m² + 1 और प्लस का 4m, a² + b² + 2ab लगा दिया, इसी तरीके से ये हो गया 4n² + 1 प्लस का 4n। अब क्या करना है, अब इसमें से क्या करो भाई, ये 4m² है, ये 4m है, 1 1 हो जाएगा 2, तो पहले ऐसे लिख लो 4m² + 4n² + 2। देखिए तो ये बन गया हमारा, जैसे हमने स्क्वायर खोला ये नंबर हमारा बन गया 4m² + 4n² + 4m 4n + 2। अब यहां पर कॉमन देखिए हमें क्या लेना है, तो इन सब में हमें 4 कॉमन मिल रहा है बच्चों, 2 अलग बच जाएगा, तो हमने यहाँ 4 कॉमन ले लिया, तो ये बचा m² + n² + 4 और 4 अच्छा + m और + n + 2। तो इसको कोई ना कोई इंटीजर ही तो बनेगा, कहोगे सर इतना लंबा इंटीजर,
तो इंटीजर बता दे रहे हैं, इतना लंबा क्यों बनेगा? जैसे ही आप m और n की वैल्यू रखवाओगे बच्चों, यहाँ पर m की वैल्यू मान लो 5 आ रही है या 7 आ रही है, तो जैसे ही m n की वैल्यू रखवाओगे एक नंबर बन जाएगा वो, चाहे 200 बने, 300, 150, कुछ भी। तो इसको हम लिख सकते हैं 4m प्लस 2, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है दोनों काम हमारे होने, वरना हम 2 कॉमन ले लेते उसमें, लेकिन हमें दोनों काम दिखाने थे कि ये इवन भी और 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल नहीं है, ये ऐसे ही तभी प्रूफ हो सकता है जब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचे। अब देखो, 4 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दो, मैं ये बोलता हूँ इवन नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दो या इंटीजर से कर दो, आंसर इवन आएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई m से हुई, इवन हो गया, इवन में प्लस इवन हो रहा है तो ये बात गारंटी है कि ये नंबर इवन है। बट जब ये हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4, क्वेश्चन इज क्यू एंड रिमाइंडर इज 2, तो इवन है बट नॉट डिविजिबल बाई 4, बट ये 4 से डिविजिबल नहीं है, साफ दिख रहा है रिमाइंडर 2 है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार खुद से करके जरूर देखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 4q और 4q प्लस 1 फॉर्म का होगा। तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर सर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब दो फॉर्म है आपके पास, एक है 4q और एक है 4q प्लस 1, तो ये वाला इसमें फिट होगा q की वैल्यू अगर 0 कर दें, बिकॉज q इज सम इंटीजर, तो q की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ये 4 वाला इसमें फिट होगा q की वैल्यू 1 कर दें, ये 9 वाला इसमें फिट होगा 4 2 ज़ा 8 और 1 9, यानी q की वैल्यू 2 कर दें, 4 4 ज़ा 16 ये इसमें फिट होगा, 4 6 ज़ा 24 और प्लस 1 कर दें, q की वैल्यू 6 कर दें और 1 तो है ही, तो ये इसमें फिट हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन फिट ऑल द स्क्वायर नंबर इन दीज टू फॉर्म्स, बट हमको यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, हमको तो यहाँ प्रूफ करना है, ये तो प्रैक्टिकल मतलब था, तो भाई प्रूफ भी करेंगे। सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, 4q प्लस r ले लेते हैं बच्चों, कोई इशू तो नहीं है, डिवाइजर है 4, q प्लस r, भाई डायरेक्ट लिख लिया, b की वैल्यू 4 नहीं लिखी है, जहां पर 0 से बड़ा होगा r और 4 से छोटा होगा, तो कितने केस बने, केस बनेंगे 4, r इक्वल टू 0, 1 2 3, यानी कि 4 केस पे आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा बच्चों यहां पर, ठीक है। बाकी दो केस हम करते हैं, दो केस आप करिए, चलो देखते हैं। तो पहला केस करते हैं, इफ r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू बचेगा 4q, लेकिन हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, हो जाएगा 16q स्क्वायर, उसमें से 4 कॉमन निकाल लो बच्चों, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा 4q स्क्वायर। अच्छा, q पुट कर दिया, वैसे हम m ले लेते क्योंकि q की फॉर्म में हमें लाना है, m की फॉर्म में लाना होता है तो q मान लेते हैं इंटीजर, q की फॉर्म में लाना है तो m ले लेते हैं जनरली, तो उससे कोई फर्क नहीं है, अब q को ही क्यों लिख दीजिए, लेकिन मैं m ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 16m स्क्वायर हो गया, ये 4m स्क्वायर हो गया, अब 4m स्क्वायर की वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर आएगी, उस इंटीजर को q बना देते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर, बिकॉज उसने q में मांगा है आंसर, तो कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से अब r की वैल्यू 1, जैसे r की वैल्यू 1 होगी a इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1, उसका करिए आप स्क्वायर, तो हो जाएगा 16q स्क्वायर, तो प्लस का 1 प्लस का 2ab यानी कि 8q, इसमें से 4 कॉमन निकाल लीजिए, जैसे आप 4 कॉमन निकालेंगे, 4 4 द 16, 4 2 द 8, तो इसको m बना दीजिए, तो ये हो गया 4m प्लस 1, बाकी की दो फॉर्म जब आप कराएंगे तो आएगा यही, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ रिमाइंडर जैसे 4 से बड़ा आने लगे, 5 आने लगे, तो 5 को ब्रेक कर लीजिएगा 4 प्लस 1 में, क्योंकि रिमाइंडर कभी 4 से बड़ा नहीं आ सकता, ये बात मैंने आपको सिखा दी थी पहले ही। तो बाकी के दो केस खुद बनाइए, उसके बाद आप लैंग्वेज लिख देंगे। Hence we can say that the square of any positive integer is either of the form 4q or 4q plus 1 where q is some integer। तो ये था क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं बच्चों कैसा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से ज्यादा बार ये CBSE में आ चुका है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं।
देखिए क्या है, शो दैट वन एंड ओनली वन, इसको समझाएंगे पहले प्रैक्टिकल मेथड से बिकॉज थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इसमें. शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन, एन प्लस फोर, एन प्लस एट एंड एन प्लस ट्वेल्व एंड एन प्लस सिक्सटीन इज डिविजिबल बाई फाइव, वेयर एन इज एनी इंटीजर. कहने का मतलब ये एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर कर देते हैं. चलिए ठीक, कह रहे कि अगर एन कोई सा भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, कोई सा भी, तो इनमें से सिर्फ फाइव से डिवाइड एक ही नंबर होगा इनमें से. अच्छा तो करिए ऐसा करते हैं, n की वैल्यू 2 लेके देखते हैं. तो जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो n प्लस 4 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा. ऐसे लिख देता हूँ उसके आगे कॉमा लगा के, n की वैल्यू मैंने ले ली 2 तो n प्लस 4 हो जाएगा 6 और n प्लस 8 हो जाएगा 10 और n प्लस 12 हो जाएगा 14 और n प्लस 16 हो जाएगा 18. तो इनमें से सिर्फ एक ही नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 10. तो पहले क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ जाए. ये क्वेश्चन ही बच्चों के सर के ऊपर से जाते हैं, कभी समझ नहीं आते बच्चे, चाहे टीचर कितना ही समझाए, बिकॉज प्रैक्टिकल मेथड कोई पढ़ाना नहीं चाहता. तो कह रहे हैं n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वो वैल्यू जो आप इसमें पुट कराएंगे, जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करेंगे तो हो सकता है कभी ये वाला डिवाइड हो जाए, कभी ये वाला डिवाइड हो जाए, कभी ये वाला 5 से डिविजिबल बने, उसकी कोई चिंता नहीं है. बट n की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इनमें से सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो 5 से डिवाइड होगी. जैसे यहां पे ये तीसरा वाला बन रहा है 5 से डिवाइड, दैट इज n प्लस 8. अब ऐसा करते हैं, n की वैल्यू लेते हैं साहब 7 करते हैं. तो पहला वाला हो गया 7, दूसरा वाला 7 और 4 हो गया 11, तीसरा वाला 7 और 8 हो गया 15. अब भी यही वाला आ रहा है, 8 7 15, 12 7 19 और 17 और कितने, सॉरी ये है 16 और 7 23 हो जाएगा. तो इनमें से भी देख लीजिए एक ही डिविजिबल हो रहा है एक ही डिविजिबल. अच्छा ऐसा करते हैं, n की वैल्यू 1 कर देते हैं, n इक्वल टू 1. तो ये हो गया 1, ये हो गया 5. अब देखो, अब ये वाला डिविजिबल होने लगा 5 से. तो n की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करेंगे, कितनी भी चेंज कर लीजिए, बट कोई दो नंबर ऐसे नहीं होंगे जो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे. ये ऐसा नहीं है कि एक भी 5 से डिविजिबल ना आए, एक नंबर ऐसा होगा जो 5 से डिविजिबल जरूर आएगा. समझ रहे हैं बात को? तो ये है सीन. अब इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा ये देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. तो लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो तो उन्होंने दिया ही है, एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म जो डिवाइजर है वो 5 है, इसलिए हम इस टाइप का ले रहे हैं 5q+r. सीधी बात है, रिमाइंडर कौन कौन बचेगा, कहोगे सर 0, 5 से होगा छोटा, यानी कि 0 1 2 3 4 5. अब वो r की वैल्यू 0 फिर 1, इतने केस नहीं बनाएंगे, मतलब एक ही बार में लिख ले रहे हैं. देन n बराबर क्या क्या हो सकता है, n बराबर 5q हो सकता है, 5q प्लस 1 हो सकता है, 5q प्लस 2 हो सकता है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते रहेंगे. 5q प्लस 3 हो सकता है, 5q प्लस 4 हो सकता है, बाद वही है, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू 1 कराते 2 कराते अलग अलग लेते, तो n की पहले सारी वैल्यू ले लेते. अब n की वैल्यू एक वैल्यू लोगे, इन सब में पुट कराओगे, एक 5 से डिविजिबल आएगा, फिर ये वाली वैल्यू लोगे, इन सब में पुट कराओगे, तब एक 5 से डिविजिबल आएगा, ये वाली वैल्यू लोगे, ये वाली वैल्यू 0 रिमाइंडर के लिए हो गई, ये वाली 1 रिमाइंडर के लिए हो गई, ये वाली 2 रिमाइंडर के लिए हो गई. तो इस तरीके से लिख लीजिए. तो लिख लेते हैं हम, अब इतने सारे के 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं. अब ये 5 वैल्यू 1 2 3 4 5 वैल्यू में पुट कराई जाएंगी, यानी कि 25 वैल्यूज बनेंगी. थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट क्वेश्चन समझ में तो आएगा आपको. तो मैं यहां तक कर देता हूं, 3 मैं पुट करा देता हूं, 2 आप पुट करा के देखिएगा. तो इफ n इक्वल टू 5q, तो जब n की वैल्यू 5q हो जाएगी तो डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं, n प्लस 4 था दूसरा नंबर, तो n प्लस 4 हो जाएगा 5q प्लस 4, सही है सर. n प्लस 8, तो n प्लस 8 हो जाएगा 5q प्लस 8, बट अब मैंने क्या कहा था भाई, डिवाइजर है 5 और रिमाइंडर 8, हाउ इज इट पॉसिबल. तो एक चीज है यहां पे और सीखोगे, तो n प्लस 8 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, 5q प्लस 8 है, तो उस 8 को आप ऐसे करके लिखोगे 5 प्लस 3, यही तो समझा रहा था मैं. तो अब इसको आप लिखेंगे, 5 ले लीजिए कॉमन, ये हो गया क्यू प्लस 1, रिमाइंडर 3 बचा. अब ठीक है ना, तो ये आपको बेटा डिवीजन करके दिखाना ही पड़ेगा, स्प्लिट करना ही पड़ेगा, वरना आपकी एल्गोरिदम ही गलत हो जाएगी ना. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिवाइजर, वाओ. तो आप तो गलत कर देंगे, उस चीज को देखना पड़ेगा. ओके, तो n हो गया, n प्लस 4 हो गया, n प्लस 8 हो गया, उसके बाद अभी बचा है n प्लस 12, ये अभी 5q के लिए ही चल रहा है, ध्यान दीजिएगा. तो n प्लस 12 दीजिए अब, तो n प्लस 12 यानी कि n की वैल्यू है 5q प्लस 12,
तो अभी इसको ब्रेक करोगे, मैंने कहा था जितना मैक्सिमम कॉमन मिल जाए, तो इसमें दो बार 5 कॉमन आ जाएगा, यानी कि इसको 10 प्लस 2 में ब्रेक करो। अब 5 कॉमन लो तो ये बचेगा q प्लस 2 और रिमाइंडर अभी भी 2 है, अभी भी कोई भी डिविजिबल नहीं हो रहा है 5 से। n प्लस 12 के बाद n प्लस 16 आ रहा है बच्चों, तो n की वैल्यू 5q प्लस 16। तो अभी 16 को ब्रेक करेंगे हम 15 प्लस 1 में, 5q प्लस 15 प्लस 1, यहाँ पे ले लो 5 आपका जो 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बचा q प्लस 3 प्लस 1। तो अभी भी रिमाइंडर बना रहा, कोई डिवाइड नहीं हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं है, पहला वाला ही आप देख लीजिए, n की वैल्यू 5q, तो n की वैल्यू 5q हो गई, n प्लस 4, n प्लस 4 क्या आ रहा था 5q प्लस 4, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं है, n प्लस 8 डिविजिबल नहीं है, n प्लस 12 भी डिविजिबल नहीं है, n प्लस 16 भी डिविजिबल नहीं है, बट n जो n इक्वल टू 5q था, यानी कि जो n की वैल्यू है वो डिविजिबल है, तो इन पांचों में से एक तो डिविजिबल बनी रहा है, तो ये एक केस हो गया। ठीक, अब हम अगर n की वैल्यू लें 5q, तब कौन सा डिविजिबल आएगा तब देखते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, दूसरा केस इसको हटा रहा हूं। इफ n इक्वल टू 5q प्लस 1, तो ये तो नहीं है डिविजिबल। अब n प्लस 4 है दूसरा नंबर, 5q प्लस 1 तो n की वैल्यू है, प्लस 4 हो गया काम इसी में, 5q प्लस 5 बना, 5 ले लिया कॉमन, q प्लस 1 बचा, तो ये डिविजिबल है 5 से, बाकी के नहीं आएंगे। तो अब उनको मैं क्या लिखूं, या चलो लिख देता हूं फिर भी, n प्लस 8, तो n की वैल्यू बेटा 5q प्लस 1, क्योंकि इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना अभी हम, प्लस 8 क्या बन गया, 9 बन गया, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 5q, 8 और 1 9, 9 को कैसे ब्रेक करोगे, 5 प्लस 4, तो 5 ले लिया कॉमन, ये बचा q प्लस 1, और 4 बचा रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा रहे, बस ये ख्याल रहे। n प्लस 8 हो गया, n प्लस 12 होगा अब, तो n की वैल्यू 5q प्लस 1 प्लस 12 कितना बन गया, 13 बन गया, ये 13 को ब्रेक करो जरा 5 के टेबल में, 10 प्लस 3, 5 ले लिया कॉमन, q प्लस 2 प्लस 3, रिमाइंडर कितना है 3, बट अभी भी ये 5 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 5 से डिविजिबल हमें मिल चुका है, तो एक ही आएगा देख लो। उसके बाद n प्लस 16, 5q प्लस 1 n की वैल्यू हो गई, प्लस 16 कितना बन गया 17, 17 को ब्रेक करोगे 15 प्लस 2 में, तो 5 ले लिया कॉमन, q प्लस 3 प्लस 2, तो एक जगह रिमाइंडर 2 है, एक जगह 3 है, एक जगह 4 है और एक जगह 0 है, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 5 है। तो देख रहे हैं आप, हैंस वी कैन से दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 एंड n प्लस 16 इज डिविजिबल बाई 5 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से होता है, बाकी इस पर कोई दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, वो कह सकता है डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 2, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका सोल्यूशन हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इक्लूड डिविजन एल्गोरिदम के बेस पर थे, आपको समझ में आए होंगे और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और क्या आपको पढ़ाया जाता है, सिंपल सिंपल सी बातें बता दी जाती हैं, इस कंटेंट से आपको दूर रखा जाता है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको सब कुछ। तो बस ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।